सिंपल वेजी किचन में आपका स्वागत है। आज हम काले चने की चाट बनाएंगे। गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो आप इस तरह से चने को बॉईल करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब कभी भी आपका चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरह से चने की चाट बना सकते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में उबले हुए काले चने लेंगे। ये हमने इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था, फिर हमने इसको 3 से 4 सीटी ली थी, तो हमने इसको जब उबाला तब इसके अंदर नमक डाला था। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून के करीब बारीक टमाटर और ये हम 2 टेबल स्पून के करीब हमने बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। ये हमने एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये हमने बारीक कटी हुई केरी ली है। अभी केरी का सीजन है तो ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, तो हम ये 2 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाट खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये इसको बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो आप इस चाट को एक बार घर पर ज़रूर से ट्राई करें। अब हम इसको चटपटा बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, अगर आपको ज़्यादा चाट मसाले का फ्लेवर चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, काला नमक हम इसमें डालेंगे जिससे कि इसका थोड़ा अच्छा फ्लेवर, और हम इसमें रेड चिली पाउडर का यूज नहीं करेंगे, तो हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। हमने काले नमक का यूज किया है और हमने चाट मसाले का यूज किया, तो हम नमक थोड़ा संभल के इसमें डालेंगे। हमारी चटपटी चना चाट तैयार हो गई है, तो हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस चाट को सर्व कर लेंगे। ये हमने इसका कच्ची केरी के साथ इसको डेकोरेट किया है और हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स और डालेंगे। हम थोड़ी सी कच्ची केरी ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे और थोड़े से टमाटर भी हम इसमें ऐड करेंगे। लीजिए, हमारी चटपटी चने की चाट तैयार हो गई है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।